गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्टडी करेंगे, या हम इसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नो, कल हम लोगों ने आपका वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है उसी का आगे की ये क्रम में है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नो, अगर हम बात करते हैं पोल्यूटेड वाटर जो होता है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं ये बहुत ट्रेसेस में होते हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही प्रेजेंट रहते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट, ये हमारे आपके मेटल और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, और इसमें हमारे कुछ हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि आपका लेड है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, कैडमियम, मर्करी एक्सेट्रा। ये जो हमारे आपके एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। वाटर जो हम लोगों का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है, इसमें हमारे पास आपके कई सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, और इन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें आपके डिफरेंट मैथड्स यूज करने पड़ते हैं, और उसमें से जो हमारे प्रिलिमिनरी या एडवांस ट्रीटमेंट के बाद ही हम इसको आपका जो वाटर है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होता मिलता है। नाउ, अब हमारे पास ये जो वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, ये हमें आपका प्रिलिमिनरी या एडवांस ट्रीटमेंट के बाद जो मिला है, इस वाटर को पहले आपका स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है, और फिर वहां से ये आपका सिटीज और इंडस्ट्रीज में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां से इनको सप्लाई करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो हमारे होते हैं उससे हमारे पास आपका आता है एरिएशन आता है, कॉकुलेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है। इसके अलावा भी हमारे पास आपके कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि हम आपका ओजोन से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपका जो आयरन और मैग्नीज है इनके रिमूवल के लिए हम कर सकते हैं, आपके वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट हमारे पास होते हैं, जो कोरीजन कंट्रोल ट्रीटमेंट्स भी आपका इसी में आता है। आपके इस वाटर में कई दफ़े आपको स्मेल आती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमें मिलता है, और उस ऑर्डर को भी रिमूव करने के लिए आपके ट्रीटमेंट है। तो आपका जो प्रिलिमिनरी मेथड्स है इनको हम आपका जरूरत के अनुसार हमें किस जगह पे हमें कौन सा रिक्वायर्ड है उस वाटर को ट्रीट करने के लिए अकॉर्डिंगली इसको हम आपका काम में लिया जाता है। जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो हम जो प्लांट्स लगाते हैं ये कंपैरेटिवली हमारा आपका सिंपलर होता है एज कंपेयर तो सीवेज ट्रीटमेंट या जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स हैं उसके कंपैरिजन में। वाटर ट्रीटमेंट जो हमारा होता है बेसिकली हम इसमें तीन हमारे स्टेप्स हम लोग लेते हैं, और वो तीन स्टेप्स हमारे हैं। फर्स्ट स्टेप होता है एरिएशन टू सेटल द सस्पेंडेड पार्टिकल्स या मैटर, हम इसको कह सकते हैं। सेकेंड है हमारा कॉगुलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड सस्पेंडेड मैटर होता है, एंड थर्ड हमारा है डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन, जिससे कि हमारे जो आपके वाटर में बैक्टीरियाज और डिफरेंट वायरसेस हैं उनको ये आपका किल करने के काम में आ दिया जाता है। कुछ जगह हम लोग आपका जो अमोनिया जो प्रेजेंट रहता है वेस्ट वाटर बॉडीज में उसको भी रिमूव करने के लिए क्लोरीनेशन जो मेथड है हम वो काम में लेते हैं। नाउ, जो प्रेजेंट जो आपका परमिसिबल डोज है, यानी कि जो परमिसिबल आपका जो क्वालिटी क्वांटिटी है आपका जो आपका इसमें, क्योंकि जब हमारे पास आपके डिफरेंट हमारे पास कंटेनेंट्स हैं तो इसमें हमारे पास आपका कई दफ़े जो है CHCl3 यानी कि हमारे पास आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो भी हमें आपका मिलता है, लेकिन इसकी भी आपका एक लिमिट जो है, इस एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर बियॉन्ड ये क्रॉस करता है तो वो हमारे लिए हानिकारक रहता है। लेकिन यदि हमें इसका जो परमिटेबल आपका जो लिमिट है, जो जिसको परमिसिबल लिमिट हम कह सकते हैं, वो हमारी है 100 पार्ट्स पर बिलियन हमारा ये है, और ये जो आपका जो सेट करी है जो आपका पार्ट्स पर बिलियन की जो कि सेट करा गया है ड्रिंकिंग वाटर में आपका इतना अलाउड है, ये हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है जिसको कि हम आपका EPA के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका USA की आपकी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी, तो उसने हमारे पास ये लिमिट हमें करा, इस लिमिट को हमें यहीं तक यानी कि 100 पार्ट्स पर बिलियन जो है इससे बियॉन्ड हमें आपका नहीं होना चाहिए,
अगर ऐसा होता है तो हमारा जो वाटर होता है उसको क्लोरीनेशन और कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन से हमें आपका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने आपके डिजॉल्व ऑर्गेनिक्स है, ह्यूमस है, जो कि और भी कई सारे आपके पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें आपका नेचुरल वाटर बॉडी में हमें मिलता है। ये हमें आपका क्लोरीन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें आपका CHCl3 प्लस साथ में हमें आपका क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स यानी CHCl इसको हमें अपना जनरल हमने उसको स्पेशलाइज कर दिया कि ये हमें आपके इसमें मिलते हैं। जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में जो हमारे पास है क्लोरीनेशन जो है इसको हम रिप्लेस किया गया है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन से, दैट इज की ओजोनाइजेशन से कराया, और वहां पे ये जो ओजोन जो है वो आपका बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए काम में लिया जाता है। ओजोन जो हमारा है ये हमारा आपका साइड रिएक्शन जो हो रहा है उससे फ्री रहता है, और ये जो हमारा है इट अकर्स ड्यूरिंग द आपका क्लोरीनेशन जो के टाइम से साथ ही आपका आकर हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये हम कह सकते हैं जो क्लोरीनेशन जो है ये हमारे कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव आपका है इन द टर्म्स की यहाँ पे जो आपका क्लोरीनेशन के टाइम पे काफ़ी मात्रा में हमें आपका जो है एनर्जी यूज होती है, और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो है आपका ओजोन जो है वो आपका ऑक्सीजन में आपका चेंज आउट हो जाता है। तो ओजोन ट्रीटमेंट जो हमारा है ये नॉर्मली हम कह सकते हैं इसको कि आपका जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे इसको आपका कमर्शियल मेथड के जैसे इसको यूज करा गया है। आपका जो इस ओजोन ट्रीटमेंट जो हमारा है एक आपका टिपिकल प्लांट है जिसको कि हमने आपका यहाँ पे इसको ड्रॉ करा हुआ है, और ये जो प्लांट हमारा होता है इट कंसिस्ट ऑफ द एयर से होता है, एयर के लिए आपका इसमें होना चाहिए, फिल्ट्रेशन आपका होना चाहिए, कूलिंग का होना चाहिए, आपका डेसिकेटेड होना चाहिए जहाँ पे कि आपका वो जो भी आपकी गैसेस हैं उनको ड्राई किया जा सके। फिर उसके बाद आपका एक ओजोनाइजर होना चाहिए, आपका एक इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमें चाहिए क्योंकि ओजोन जनरेट करने के लिए हमें चाहिए। तो वो जो आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो हमारा होता है 20,000 volts की तरह हमारा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट जो है जहाँ पे हम यहाँ पे आपका ओजोन जनरेटर है यहाँ पे हमने इसको 20,000 volts से हमने इसको कनेक्ट कर यहाँ से आपका ओजोन जनरेट होती है, और यहाँ पे हमारे पास आपका क्या है वॉटर जो है जिससे कि हमें प्योरीफाई करना है उसको आपका फिल आउट करना हुआ है। नाउ जब इसके पहले जो ओजोन के इसमें आता है तो जो एयर होती है उसको रिफ्रिजरेट किया जाता है, उसको ड्राई करा जाता है, और फिर उस एयर को कंप्रेस करके आपका ओजोन जनरेटर चेंबर में उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। और उसके बाद जब ये यहाँ से आपका जब इसमें ओजोन जनरेटर में जब आपका आता है तो यहाँ पे हमारा ओजोन का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस ओजोन एंटर्स जो आपका वॉटर जहाँ पे आपका प्योरीफाई करना है उस टैंक में आपका ये होता है, और इस टैंक में आपका ऊपर से एयर के लिए आपका है एंड वॉटर इसमें लगातार सप्लाई होता रहता है। तो जो भी हमारे इफ्लुएंट्स हैं वो हमारे आपके इस साइड से निकलते जाते हैं, और इस तरह से जो आपका है ओजोन का ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो हमारा आपका वर्कआउट करता है, और इससे हमें आपका जो है प्योरीफाइड वाटर हमें मिलता है। ना ये जो जो प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पे ओजोन से मिलता है इसमें जो हमारे जो कॉन्टेक्ट चेम्बर है दैट इज यहाँ जो जहाँ पे हमारा आपका ओजोन है ये हमारा आपका क्या है कॉन्टेक्ट चेंबर है, और इसमें जो है जो आपका कॉन्टेक्ट रहता है आपका किसका ओजोन का आपका जो वॉटर का जो आपका कॉन्टेक्ट रहेगा जहाँ पे कि हमारे ये सारे मेटल्स हमें मिलेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 minutes के लिए आपका होना चाहिए। ओजोन ट्रीटमेंट जो हमारा होता है इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है डिफरेंट जो वायरस है बैक्टीरिया से वो हमारे आपके किल आउट हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट प्लांट की आपके लिमिटेशन है क्योंकि ओजोन की जो आपकी सॉलिटी है वाटर में वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट आपके जो होते हैं एबिलिटी जो है आपके डेटस की आपके जो वायरस वगैरह को किल करने की जो एबिलिटी है ओजोन की वो कंपैरेटिवली आपकी कम हो जाती है, और जो ओजोन जो है ये आपका स्लोली डिकम्पोज हो जाता है, ओजोन आपका किस्मत स्लोली आपका डिकम्पोज हो जाएगा इन ऑक्सीजन में ही हमारा आपका स्लोली आपका डिकम्पोज आउट हमारा हो जाता है। तो ये इसके आपका लिमिटेशन है। तो जो डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग आपका वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स हमारी है एरिएशन हो गया, सल्फोक्लेश हो गया, और डिसइंफेक्शन से हो गया। डिसइंफेक्शन में हमारे पास आपकी
दो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, ओजोनाइजेशन और क्लोरिनेशन हम इसको यूज करते हैं. नो, आपका सबसे पहले हम आपका जो है एरिएशन को हम आपका यूज करते हैं, या एरिएशन में हम क्या करते हैं, एरिएशन जो हमारा है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस आपका ये होता है, जिसमें कि आपका जितने भी आपके जो रिवर्स हैं, आपके जो स्ट्रीम्स हैं, उसमें जितने भी कंटेनमेंट आपका वो जो वाटर है, उस वो स्वतः ही आपका जो है प्योरीफाई होता है. और यह हमारे पास क्या होता है कि जो एयर आपका जो है, ये हमारा कंपैरेटिवली जो आप कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल जो एरिएशन है, यानी कि आपका जो प्राकृतिक रूप से जो आपका एरिएशन आपका हो रहा है, ये अभी हमने देखा था रिवर्स और स्ट्रीम्स होता है. कैसे होता है ये, क्योंकि जब हमारे पास आपका वाटर फ्लो करता रहता है स्लोली, जबकि आपका रिवर्स और स्ट्रीम्स होते हैं उसका जो आपका जो सरफेस एरिया, जिसको कि हम आपका कह सकते हैं कि जो उसका बेड होता है, यानी कि जो भूमि तल जो होता है, उसके ऊपर ही आपका जो वाटर आपका स्लोली आपका जो मूव आउट करता है या आपका बहता है, या हमारा ये आपका कहीं से पहाड़ी पे से ऊपर से नीचे जब गिरता है पानी, तो ये जो आपका वाटर जो है, ये आपका जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है. और इस तरह से जो हमारे पास जो आपका ऑक्सीजन जब आपका एब्जॉर्ब होगी, तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा. और इससे जो हमारे पास जो है डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल जो या पल्यूटेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, वो जो ऑडर फॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर स्मेल देते हैं, वो आपके यहाँ से दूर हो सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ हम आपका, ये तो आपका नेचुरल है, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली भी हम आपका कर सकते हैं इसको. और इसके लिए हम आपका क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर है, बाय स्प्रिंग द वाटर हम कर सकते हैं आपका, हम इसको फाउंटेन्स के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो हमारे पास जो बेड ऑडर है, बेड स्मेल जो है, उसको हम आपका यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं बाय द एरिएशन मेथड. सो दैट इज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन से, यानी कि एयर के मिलाने से, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से हमारे पास जो है आपका वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेथड. सेकेंड मेथड हमारा आपका आता है कॉगुलेशन आता है. कॉगुलेशन का मतलब ये है कि आपका मीन्स इसका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बाय द कॉगुलेट टू रिमूव द कोलाइडल और द कोरस dispersed impurities, यानी कि हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि आपका जो coagulation है, ये एक आपका method है जिससे कि हम आपका water को आपका उसमें हम आपका coagulant डाल के हम उसमें आपका जितने भी हमारे जो colloidal particles हैं, और जो हमारे पास आपके कोरस, या कोरस का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जबकि छितरे हुए टाइप के रहते हैं, dispersed particles जो रहते हैं, यानी कि वो आपके जो बिखरे हुए हमारे particles रहते हैं, उसको भी हम आपका इसमें से, इस मेथड से जो इम्प्योरिटी है उसको हम आपका रिमूव आउट कर सकते हैं. लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि जहाँ पे कि हमारे पास आपका जो डिपॉजिट है, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप जो हमारे कन्वर्ट हो गए, जो हमारे आपके कोलाइडल जो डिपॉजिट हो गए थे, उसको हम वापस से अगर हम आपका कोलाइडल स्टेट में जब भी कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम आपका बोलते हैं पेप्टाइजेशन, हम इसको बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉगुलेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, जो कॉगुलेशन जो कि हमने आपका क्या करा था कि हमने उसको आपके कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने आपका वाटर से रिमूव करा था, तो ये जो डिपॉजिट का जो है, इसको अगर हम आपका वापस से हम आपका चेंज आउट करते हैं, तो ये हमारा आपका क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है. नाउ ये जो कॉगुलेशन का जो प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग आपका जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग आपका काम में लेते हैं, जो हम लोग आपका कॉगुलेंट्स नॉर्मली जो हम लोग काम में लेते हैं, वो हमारा आपका हो सकता है एल्युमिनियम सल्फेट हो सकता है. दैट इज एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पे हमने लिखा है Al2SO4 होल प्राइस 18H2, यानी कि 18 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के लगे हुए हैं. दीज आर द वाटर ऑफ हाइड्रेशन. इसके साथ हम आपका पेरिक्लोराइड ले सकते हैं, फेरस सल्फेट 7H2 ले सकते हैं, और भी कई सारे हमारे पास आपके हैं कॉगुलेंट्स हैं जिनको कि हम आपका प्योरिफिकेशन के लिए हम आपका काम में ले सकते हैं. नो, अब हम आपका एक सिंपल आपका एग्जांपल लेते हैं. आपका एल्युमिनियम सल्फेट जो है, इसके अगर हम आपका डिफरेंट हम आपका रिएक्शन से हम आपका देखें, तो एल्युमिनियम सल्फेट जो हमारा कैल्शियम बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमें आपका कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म आउट करता है. इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट की अगर हम आपका रिएक्शन करवाते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो
तो ये अगेन हमें आपको यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आउट करते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो भी हमें आपका सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में आपका निकलती है। अगर हम आपका एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो भी हमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा हर रिएक्शन में हमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फॉर्म हो रहा है। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो फोर्थ आपका जो हमें मिलता है, ये हमारा जितना भी आपका वॉटर में जो हमें जितनी भी आपकी डर्ट है, यानी कि जो आपकी गंदगी है जो सेडिमेंटेशन के टाइम पे है, या जो उसका कलर है, उसको ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, रिमूव आउट करता है। और इस तरह से जो हमारे पास आपके जो मिलता है, हमें आपका जो है डर्ट फ्री और आपका ऑर्डर फ्री जो है हमें आपका, या कलर फ्री हम कह सकते हैं, हमें आपका वाटर मिलता है। नो इसी तरह से हमारे पास आपके जो रिएक्शन होंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर आपका लिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ लिया है, उसी तरह से हम यहाँ पे आपका फेरिक क्लोराइड के साथ भी हम आपका ले सकते हैं। और जब आपका फेरिक क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, फेरिक क्लोराइड जो है ये हमारा आपका रिएक्ट करेगा हमें अगेंस्ट कैल्शियम। हम आपका किसके, हम आपका डिफरेंट आपके मेटल्स के साथ करवाएं, फॉर एग्जाम्पल अगेन हम आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हम आपका लेते हैं, डाटा से हमने इसका फेरिक क्लोराइड का हमने रिएक्शन करवाया कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसमें हमें आपका क्या फॉर्म करेगा, ये हमें आपका FeOH क्लोराइड फॉर्म आउट करेगा। प्लस यहाँ पर मेरे को आपका कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, प्लस मेरे को यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज आउट हमारे पास आपके हो जाती है। नाउ इस तरह से जो हमारे पास अगेन, हम इसी तरह से हम आपका जो फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम आपका करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज यहाँ पर हमने आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है, अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह हम आपका यहाँ पे ले लेते हैं, आपका हम अगर ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज हम इस रिएक्शन वापस हम आपको यहीं पे लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम आपका लेते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या हमें फॉर्म आउट होगा FeOH होल प्राइस प्लस CaCl टू हमें आपका यहाँ पे मिल जाता है। और या जब हमें आपका कैल्शियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें आपका ये फॉर्म आउट होगा। तो इस रिएक्शन में भी हमें क्या हुआ कि जो हमारा फोक जो मिल रहा है FLOC फ्लोक को हम इसको बोलते हैं, तो यहाँ इस दोनों फेरिक क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करवाने पे जिस तरह से हमें यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला था, इसी तरह से फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें आपका जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सेम रिएक्शन जो है हम आपका फेरस सल्फेट के साथ भी रिएक्शन करेंगे, तो इसमें भी हमें आपका दो फेरस सल्फेट के साथ भी जब रिएक्शन होगा तब भी हमें आपका मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें आपका यहाँ पे मिलेगा। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपके फ्लोक की जैसे करते हैं, और ये हमारे जितना भी आपका सेडिमेंटेशन के टाइम पे जो डर्ट और जो कलर है उसको ये आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ कोगुलेशन के लिए जो हमारे पास जो है, जहाँ की हमारे सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारा रहता है, वो जो पीएच जिस पीएच के हमारे पास ये रिएक्शन होते हैं, वो पीएच हमारी होती है 6.02 आपका 8.0 के बीच में जो है पीएच हमें इसका मेंटेन रखना है। तो हमारे पास इसमें हम आपका कह सकते हैं कि ये जो पीएच है, इस पीएच के टाइम पे हमारा कॉगुलेशन जो है मोस्ट इफेक्टिव हमारा कॉगुलेशन यहाँ पे रहेगा, यानी कि अगर हमारे पास पीएच हम 6 से 8.5 पे रखेंगे, तो हमारे जो मैक्सिमम डर्ट पार्ट है या हमारा जो कलर पार्ट है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, या हम उसको आपका जो आपके इम्प्योरिटीज है हम उसको आपका रिमूव आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉगुलेशन प्रोसेस के। कॉगुलेशन जो हमारे पास होता है, ये कॉगुलेशन हमारा हम इसको कैरेड आउट कर सकते हैं बाय मिक्सिंग कर सकते हैं, बाय हम आपका आपका फीडिंग से हम आपका कर सकते हैं, हम इसका फ्लोकेशन से हम आपका इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज की बाय इंट्रोड्यूसिंग द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है हम आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस तरह के मेटल्स को भी हम आपका इंट्रोड्यूस करके हम आपका कॉगुलेशन जो है इसको आपका जो है मेथड इसको यूज कर सकते हैं। नो आपका जो हमारे पास आपका जो टेम्परेरी हम कह सकते हैं या परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारे पास जो वाटर आते हैं इसको हम आपका दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। जो आपका जो हार्ड वाटर होता है उसका हम आपका टेम्परेरी ट्रीटमेंट
या हम उसका परमानेंट ट्रीटमेंट भी, हम आपका जो डिफरेंट कॉगुलेंट्स हैं या कॉगुलेशन मेथड्स, हम उसको भी हम आपका रिमूव आउट कर सकते हैं, हम उसको आपका सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास आपका जो कॉगुलेशन है, ये हमारा आपका किस किस पे आपका डिपेंड करेगा, ये हमारा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर है, जो कि हमारा आपका पीएच है, पीएच पे आपका डिपेंड करेगा। ये हमारा आपका डिपेंड करेगा कि हमने आपका कौन सा कॉगुलेंट हमें यूज़ करा है, वाटर जो है वो किस टाइप का आपका वाटर है, उस पर्टिकुलर आपका वाटर का टेम्परेचर क्या है, उसमें टर्बिडिटी कितनी है, इन सब के ऊपर आपका जो कॉगुलेशन मैथड है वो हमें आपका डिपेंड आउट करता है। ना जो कॉगुलेशन मैथड जो में जो है, इसमें हमारे पास जो यूज या अकॉर्डिंगली जिसके जैसे पेज आपका काम लेता है, या आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के और जो है उससे गवर्न आउट होके हमारा कॉगुलेशन आपका रहता है। ना जो कॉगुलेशन जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं मैथड को, वहां पे यदि हमारे पास आपका किसी भी वाटर में अगर टर्बिडिटी फॉर एग्जाम्पल 40 पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि जो हमारा वाटर जिसको कि हमें आपका ट्रीट करना है और उसमें हमारा टर्बिडिटी जो है, जो आपका जिसमें टर्बिड वाटर जिसको हम आपका कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हमारे आपके रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर वाटर को जब आपका कॉगुलेशन मेथड से जब ट्रीट आउट करते हैं, तो उस मेथड में हमारे जो टर्बिडिटी है अप्रॉक्सीमेटली 20 पार्ट्स पर मिलियन तक वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो हमारे पास आपका हाईली पोल्यूटेड वाटर था, जिसमें कि हमारे पास टर्बिडिटी जो थी वो 40 पार्ट्स पर मिलियन थी, उसको हम आपका रिड्यूस करके 20 पार्ट्स मिलियन तक करें, यानी कि हमने आपका कुछ हद तक जो वो वाटर था हमने उसको आपका प्योरीफाई करा गया। तो कॉगुलेशन जो है ये इट इज वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम आपका डिसइंफेक्शन मेथड को स्टडी करेंगे। थैंक यू।